डियर स्टूडेंट, अंश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माय सेल्फ मोहम्मद अरुण, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। देखो बच्चों, क्लास नाइन्थ में रियल नंबर में क्वेश्चन फोर, थर्ड तक अपने ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फोर है मेरे पास। देखो ये बेसिक है, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे, टाइप ऑफ नंबर्स बताए थे, आप उस वीडियो को देखिए। सिर्फ उस वीडियो को देखने पर आप इन तीनों क्वेश्चन का सोल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एवरी नेचुरल नंबर। देखो मेरे को फॉल्स और ट्रू बताना है इन स्टेटमेंट में से। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट है, मेरे को ये बताना है फॉल्स या ट्रू। देखो एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ये ट्रू है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद होल नंबर होते हैं उसमें 0 1 2 3 होते हैं। ये तो होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। मतलब सारे नेचुरल नंबर अपन किस में काउंट कर सकते हैं, होल नंबर में, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, ट्रू, ठीक है। इसके आंसर में आप लिख लेंगे नीचे ट्रू, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये कह रहा है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब देखो इंटीजर में मेरे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब सारे पॉजिटिव जो इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, वो तो आ जाएंगे किसमें, होल नंबर में। बट नेगेटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि होल नंबर में काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, फिर प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर जो है होल नंबर में अपन काउंट, सॉरी नेगेटिव इंटीजर जो है अपन होल नंबर में काउंट नहीं कर सकते। तो सेकेंड स्टेटमेंट मेरे पास हो गया फॉल्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये कह रहा है कि क्या सारे रेशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर में काउंट होते हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर कहते हैं किसको। अब रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में था, p by q की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 2/3, क्या 2/3 होल नंबर होते हैं? क्या सारे ये रेशनल नंबर है होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। तो आपको बस बेसिक नॉलेज ये पता होना चाहिए कि इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको बताया तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। तो ये भी क्या है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स, ठीक है, कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर में काउंट नहीं होते, ठीक है। ये भी है अपने पास फॉल्स। अब देखो अपन 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 में भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। 1.2 में देखो, ये आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। 1.2 में पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये स्टेटमेंट है। मेरे को ये बताना है फॉल्स है या ट्रू। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी पैटर्न पर, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, मेरे को यही चेक करना है इसमें, ट्रू और फॉल्स ये बताना है। अब देखो जब भी आपको कहा जाए कि एवरी इरेशनल नंबर, तो आप कोई भी एक इरेशनल नंबर, सपोज को मैंने इरेशनल नंबर सपोज किया √3, एक मैंने नंबर ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, एवरी इरेशनल नंबर की जगह मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल √3। अब √3 क्या एक रियल नंबर है? क्या √3 एक रियल नंबर है? तो मैंने आपको बता रखा है कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर कंटेन्स इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। मतलब सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे, ठीक है, और सारे रेशनल नंबर भी क्या होंगे, रियल नंबर। तो ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास,
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ, फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो आपको इसके लिए नंबर लाइन समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। देखो नंबर लाइन में ही है मेरे पास जीरो, जीरो के जस्ट इधर LHS में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है। ये माइनस के, प्लस के वन, प्लस के टू, प्लस के थ्री, ये मेरे पास नंबर नंबर लाइन है। अब ये कह रहा है कि आप सभी स्क्वायर रूट को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। देखो पॉजिटिव को तो आप कर दोगे, बट नेगेटिव जो स्क्वायर रूट होंगे उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अब इसी में मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? देखो ये जस्ट अपोजिट है, सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं, बट सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर कंटेन्स करता है, देखो रियल नंबर इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर से मिलके बना होता है, ठीक है। लेकिन सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हो गए, बट सारे रियल नंबर क्या नहीं हो सकते? इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। अपने 1.2 का 1 क्वेश्चन कर लिया, 1.1 अपनी एक्सरसाइज हो चुकी है। अपने ने क्या देखा उसमें? देखो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको नंबर निकालना हो, एक तो ये था अपने पास 5/4, ये मैंने आपको बता दिया इस टाइप का क्वेश्चन। और मेरे पास जनरली स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, तो वो आपको अगर टाइप ऑफ नंबर आते हैं, टाइप ऑफ नंबर आपको पता है कि रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में कौन से नंबर कंटेन होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से नंबर जो है होल नंबर में काउंट होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, ये आपको अगर पता है तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे कर लोगे। देखो बच्चों अपन आगे कल करेंगे, उसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंटोनियम और साइनोनियम के बारे में। एंटोनियम अपोजिट और साइनोनियम समानार्थी शब्द या जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनके बारे में। पेपर में पैसेज के लास्ट में और कुछ क्वेश्चन अलग से देके ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिनमें वो एंटोनियम और साइनोनियम पूछता है। कुछ ऐसे शब्द आपको यहाँ लिखे हुए दिखेंगे, जैसे लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना होता है, डिस लग गया, ये इसका एंटोनियम हो गया डिसलाइक, पसंद करना और नापसंद करना। फॉर्चुनेट, सौभाग्य से या लकीली, तो सौभाग्यशाली यहाँ पे अन लग गया, अनफॉर्चुनेट हो गया दुर्भाग्य से। पॉसिबल, संभव को कहते हैं। इम्पॉसिबल, आई एम लग गया, ये एंटोनियम हो गया इम्पॉसिबल, असंभव। यूजुअल या यूजफुल, तो यहाँ पे अन लग गया, अनयूजफुल, अनयूजुअल हो गया। फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो साइनोनियम है, पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, उनमें जैसे डेथ लेस, लेस लगा हुआ है, इसका मतलब न मरने वाला, अमर जिसे कहते हैं, अजर या अमर को कहते हैं डेथ लेस, तो यहाँ पे इसका साइनोनियम है इमोर्टल। इमोर्टल भी अमर को अजर को कहते हैं, ये इसका साइनोनियम है। फोई, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है FOE, फोई, फोई मीन्स शत्रु को कहते हैं,
या दुश्मन को कहते हैं, तो इसका साइनोनियम है एनिमी। थी यू मींस तुम, ये इसका साइनोनियम है। फिर यहां पे लिखा हुआ है लाइफ, लाइफ मींस जिंदगी होता है, वो लाइफ से संबंधित है, ये लाइव भी इसका मतलब जिंदगी। कहने का मतलब कुछ ऐसे आपको एंटोनियम पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे साइनोनियम पूछे जाते हैं। एंटोनियम अपोजिट और साइनोनियम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। थैंक यू। आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम SST के एक पार्ट, सामाजिक विज्ञान के 9th क्लास के एक पार्ट जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है, प्रस्तावना में उसका जिक्र होता है, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में जिसकी बात आती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पंथ निरपेक्ष, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक एवं पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का जहां जिक्र आता है, बिना किसी, कितनी प्रकार की जातियां हैं, काफी लोग रहते हैं, विविधता में एकता है, उसमें बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए हुए जिसकी बात की जाती है, उसे हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। यानी भारत राष्ट्र, भारत देश किसी भी जाति या धर्म की जो असमानता है उसको न देखते हुए सभी को भारतीय होने का दर्जा प्राप्त कराता है, उसे हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। एक नाम आता है समाजवादी। समाजवाद से हमारा तात्पर्य यह है कि समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार की धर्म व जातियों के लोग अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं पहनते हैं, अलग अलग उनके रहन सहन है, उसके विपरीत एक जो समाज या बंधुत्व की भावना की बात करें उसे हम समाजवाद की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य हमारा ये है कि देश में रहने वाली विभिन्न प्रकार की जातियों, धर्म या अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं, उन सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके तहत वे किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसे हम धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। एक आता है अनुराग व द्वेष के बिना। अनुराग और द्वेष के बिना से तात्पर्य यह है कि बिना किसी ईर्ष्या किए हुए, जैसे अमुक व्यक्ति किसी दूसरी जाति या धर्म का है और दूसरा किसी दूसरी जाति या धर्म का, तो जब वह न्यायालय की शरण में जाता है या सरकार से किसी बात की याचिका दायर करता है, उस समय अनुराग और बिना किसी द्वेष के जो बात की जाती है उसे हम अनुराग व द्वेष के बिना कहते हैं। और ये शपथ लेते हुए या किसी भी राजकीय समारोह में इसका जिक्र जरूर किया जाता है। समानता, समानता इक्विलिटी को कहते हैं। हर एक सरकार, हर एक केंद्र शासित प्रदेश, हर एक राज्य सरकार के सामने जब कोई व्यक्ति न्याय की गुहार लगाता है या किसी तरह की बात करता है, तो वहां पे बिना जाति या धर्म को देखे हुए समानता की बात की जाती है, उसे हम समानता कहते हैं। समवर्ती सूची और राज्य सूची, कुछ ऐसी सूचियां बनाई गई हैं संविधान में जिसके तहत केंद्र को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ राज्य को। उन सूचियों का अगर हम जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो वो केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के नाम से जानी जाती हैं, जिसके तहत उन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं कानून के द्वारा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान तुमर, आम सोने क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको घनाभ का प्रेशर के बारे में बताया था और उसके क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आज हम बात करते हैं घन का प्रेशर क्षेत्रफल की। तो हमें क्या दिया गया है कि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है और घन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सवाल को कैसे शुरू करेंगे, हमें क्या दिया गया है, घन की भुजा दे दी 4 सेंटीमीटर। आपको पता है घन की जो चारों भुजा होती है वो समान होती है। अब हमें निकालना क्या है, घन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपने को निकालना है, ये फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्या है सूत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6 भुजा स्क्वायर। क्या है, 6 भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ठंडा तरीका, 6 सूत्र का है, ऐसे कैसे रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर अपने पास भुजा है तो भुजा अपनी कितनी दे रखी है, अगले ने 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसको हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब है कि जितनी भी जिस संख्या को स्क्वायर लगा हुआ है उस संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 मल्टीप्लाई है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 6 से तो 16 6 96। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया, 96 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी सवाल को हम वापस रिवाइज करते हैं और इस सवाल को करके देखते हैं कि भुजा हम लोग को फाइंड करनी, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दे दे और अगला कह दे कि भुजा हमें निकालनी है, तो उस सवाल को कैसे करनी, तो देखना क्या दे दिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगले ने अपने को दे दिया 96 घन सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है अगला, घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ये सवाल अगले ने अपने को दे दिया। अब इस सवाल को करने का तरीका कैसे, सवाल पूरा रिवर्स है ऊपर वाले की तुलना में, क्योंकि यहां अगले ने क्या दिया है, भुजा दे दी और क्या पूछ लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, और इस सवाल में क्या हुआ कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, तो उसे कैसे करेंगे, तो करने का तरीका होगा वही है। सबसे पहले हम लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगले ने कितना दिया, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, घन की भुजा ये निकालना है। तो सवाल को करेंगे कैसे, सवाल को सेम टू सेम ऐसे कैसे करेंगे, संख्या सूत्र के अंदर सेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, सूत्र क्या है, 6 भुजा स्क्वायर। तो हमने भुजा को यहां क्या मान लेंगे, माना कि भुजा x मान ली, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 96 सेंटीमीटर, 6 भुजा को क्या मान लेंगे, हम भुजा नहीं दी तो भुजा को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, हमें फाइंड करनी है भुजा। ठीक, भुजा फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 96 को ले जाएंगे 96 को बटा 6 कर देंगे, जब 6 से 96 काटेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x का स्क्वायर बराबर 16 अपने पास आ जाएगा। इस 16 का हम क्या करेंगे, यहां पर रूट है तो हम क्या करेंगे, इसका रूट लाके हम इस 16 पर रूट कर देंगे, तो क्या आएगा इसका, तो x इज इक्वल टू रूट 16, और रूट 16 का मान क्या होता है, रूट 16 का मान 4 होता है, तो x का मान कितना आएगा, 4, यानी उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। तो सवाल होगा वही था, केवल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक, चैनल को लाइक एंड शेयर करना। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अपने कवि और लेखक परिचय चल रहा है, तो उसी क्रम में आज हम चलते हैं, लेखक परिचय है राहुल संक्रत्यान। इन ये जो है ये एनसीईआरटी के कोर्स में, जैसा कि एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है उसी में ये लेखक है। इनका पाठ जो है वो है लहासा की ओर। इनका जन्म जो है 1893 में इनका एक ननिहाल गांव में 15 जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है, और इनका खुद का पैतृक गांव अर्थात दादा का जो गांव है वो कनेला माना जाता है। जन्म यहाँ हुआ और इनका खुद का गांव जो है वो कनेला माना जाता है। इनका पहले नाम जो था वो केदार पांडे था।
ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 1930 में यह श्रीलंका गए और वहां जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस बौद्ध धर्म के ग्रहण करने के कारण इनका नाम राहुल संक्रत्यान हो गया। केदार पांडे का नाम किस प्रकार से राहुल संक्रत्यान हुआ? तो 1930 में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण इनका नाम जो था वो राहुल संक्रत्यान हो गया। राहुल जी जो थे उन्हें पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान था। क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, तो ये पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी ये भाषाओं का उनको ज्ञान था। आगे इनकी रचनाएं जो थी उन रचनाओं के बारे में, मेरी जीवन यात्रा ये 6 भागों में विभाजित की गई है। दर्शन दिग्दर्शन 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमाग की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। इनकी रचनाओं पर राजनीतिक, धर्म, इतिहास आदि विषयों का समायोजन किया गया है, आदि का इन पर प्रभाव पड़ा है। इन्होंने ज्यादातर जो है अपनी जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण जहां जहां घूमे उन सबका वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में मिलता है। ज्यादा से ज्यादा इनके यात्रा वृतांत मिलते हैं क्योंकि इन्होंने अधिक से अधिक यात्राएं की। अपनी जो ल्हासा की ओर है वो भी नेपाल की तरफ का जो वर्णन है उन्होंने उसका वर्णन इस अपनी किताब में किया है। यहाँ ल्हासा की ओर जो अपना नेपाल की तरफ पड़ता है तो उसका पूरा संपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है। राहुल जी जो थे उन्होंने हमेशा महत्वपूर्ण योगदान अपना जो है वो सामाजिक उद्धार के लिए भी दिया है। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन सेशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक रूप्स ऑफ आइसलैंड। लास्ट वीडियो वी डिस्कस इंडियन फिजिकल फीचर्स, गंगा प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटू, एंड we will discuss about today groups of Iceland. Last part of this topic, the Iceland. Dweep. Mostly Indian continent. In country, mostly two Iceland are situated in India. First Lakshadweep and second Andaman Nicobar Iceland. Lakshadweep, second Andaman Nicobar Iceland. Lakshadweep. Locate the Lakshadweep Iceland group lying close to Malabar coast of Kerala. Lakshadweep sit mostly kahan par? Arabian Sea. Arabian Sea. Near Kerala state. Near Kerala state. Kerala state Malabar coast. जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में, मालाबार कोस्ट के बारे में, ठीक है, उससे सटा मतलब उससे निकटवर्ती जो पार्ट है लक्षद्वीप, ठीक है, ये अरब सागर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, In 1973, these were named as Lakshadweep. Mostly आपको तीन जो छोटे जो द्वीप हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं वो? लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है और अमीन द्वीप है, ठीक है।
इन तीनों जो ग्रुप्स को क्या कर दिया गया, जो ये आइसोलेट है इनको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, कब 1973, और इसको एक नाम दे दिया गया क्या, लक्षद्वीप, क्या लक्षद्वीप, ठीक है। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वेयर किलोमीटर, मतलब इसका जो तो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है, मतलब 32 जो स्क्वेयर किलोमीटर है उसमें ही हमें फैला हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें, स्क्वेयर किलोमीटर में देखने को मिलता है, मतलब छोटा सा एक द्वीप है, इसका नाम रखा गया क्या, लक्षद्वीप, ठीक है। तीन ग्रुप्स का, सॉरी तीन जो आइसलैंड का जो छोटे छोटे पार्ट है उनको मिलाकर के एक नाम दे दिया गया, कब 1973 के अंदर, जिसका नाम रख दिया लक्षद्वीप, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर माना गया है, ठीक है। इसके बाद में मोस्टली यहाँ पर हमें फ्लोरा एंड फाना देखने को मिलती है, मतलब बड़ी मात्रा में यहाँ पर वनस्पति, ठीक है, पशु और वनस्पति जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, इसके अलावा हमें यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी जो पक्षी अभयारण्य है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है, वहां पर हमें किसी प्रकार की जो मानव जो जाति है वो देखने को नहीं मिलती है, कहां पर, पिट्टी आइसलैंड में, इस पार्ट में हमें केवल और केवल एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, क्या, बर्ड बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, ठीक है। पक्षी अभयारण्य देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें बे ऑफ बंगाल में, मोस्टली जो सेकंड ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड है जिसका नाम है अंडमान निकोबार आइसलैंड, आइसलैंड सेकंड अंडमान निकोबार आइसलैंड सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल स्थित है, किसमें, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and are more numerous and scattered. मतलब ये किसकी अपेक्षा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, जो ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड का जो फर्स्ट जो पार्ट हमने देखा था, जो फर्स्ट जो टाइप देखा था, जिसका नाम था, जिसका नाम क्या देखा था हमने, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, सॉरी ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड का जो फर्स्ट जो पार्ट था जिसका नाम है लक्षद्वीप, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा था कि उसका जो एरिया था वो 32 किलोमीटर माना गया, उसकी अपेक्षा में ये बड़ा लार्जर स्कैटर्ड फैला हुआ देखने को मिलता है, कौन सा ग्रुप ऑफ आइसलैंड, निकोबार, सॉरी अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, तो द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, देखो ध्यान में रखना, अंडमान निकोबार आइसलैंड है, इसमें हमें जो अंडमान है और ये जो निकोबार है ये दोनों हमें अलग अलग द्वीप के